हाय फ्रेंड्स, पंजाबी फूड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करती है। आइए आज फिर आपको एक सिंपल नई डिश बनाना सिखाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सैलेड। उसके लिए हमने आधा फुल बंद गोभी का लिया, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है, और अब हम वेजिटेबल चॉपर में डाल के उसको चॉप करेंगे। जितना भी हम उसको करना चाहते हैं पतला छोटे पीसेस, उस हिसाब से हम उसको चॉप कर लेंगे। इस तरह से हमने चॉप कर लिया। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। हमने दो टमाटर लिए, उसको भी हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिए। अब हम टमाटर मिक्स करेंगे। दो गाजर लिए हैं, जिसको अच्छी तरह से धो के हमने कद्दूकस कर लिया था, वो भी हमने अब डाल दिए। इसके साथ साथ हमने दो अनियन लिए थे, उसको भी हमने बारीक बारीक काटा, और वो भी हमने अब मिक्स कर दिया। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने एक बाउल में 15 ml एप्पल साइडर विनेगर लिए। अब हमने 15 ml ही ऑलिव ऑयल लिया, उसको भी हमने उसमें डाल दिया। हमने 15 ml शहद लिए, वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। इस तरह से हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3/4 स्पून हम ब्लैक पेपर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा हम सॉल्ट डाल रहे हैं, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। 15 ml हमने लेमन जूस लिया और सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये हमने एक ड्रेसिंग तैयार कर ली है, जो कि हम अपना जो सैलेड तैयार किया है उसके ऊपर डालेंगे। इसको हम अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, आप जितना भी खाना पसंद करते हैं। अब हम सब वेजिटेबल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम ऊपर नीचे करके सारी वेजिटेबल मिक्स कर लेंगे, ताकि सब बराबर आपस में मिक्स हो जाए। और उसके ऊपर हम डालेंगे जो ड्रेसिंग हमने तैयार की है। ड्रेसिंग हम अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा, जितना खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी सैलेड तैयार हो जाता है। इससे हमें फाइबर मिलता है, मिनरल्स विटामिन्स मिलते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसको हम डेली भी खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी है और बनाने में भी मुश्किल नहीं है। इसको बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। ये झटपट से तैयार हो जाता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, और इसके जो फ़ायदे हैं हमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इसलिए आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा, आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।